नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना लहसुन प्याज की आलू मटर की सब्जी, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चले बनाना शुरू करते हैं। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने 3 आलू लिए मीडियम साइज के। इनको धो के साफ करके इस तरह पीसेस में काट लिया है। 250 ग्राम मैंने मटर के दाने लिए हैं। 2 हरी मिर्ची लिए बीज निकाल के, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। 3 टमाटर लिए, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कूट कर पेस्ट बना लिया है। धनिया पत्ता लिया है। गैस ऑन करेंगे, कुकर रखेंगे, कुकर के अंदर 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम होने पे 1 चम्मच राई डाल देंगे, हींग डाल देंगे 2 पिंच के करीब, जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, हल्दी डाल देंगे आधी चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच और 1 गिलास पानी डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे, अदरक, हरी मिर्च, मटर और आलू भी डाल देंगे। मसाले डालते वक्त हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गरम मसाला डाल देंगे 1 चम्मच, जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा गिलास पानी और डाल देंगे। टोटल हमने 1.5 गिलास पानी यूज किया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगाकर 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, 2 सीटी लग चुकी हैं और सब्जी हमारी बन चुकी है। धनिया पत्ता डाल देंगे और मिक्स करके इसे अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू मटर की सब्जी 2-3 मिनट में बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनी है। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।